स्कूल के लोग करें देरी सर, तो खैर बीच बीच लिखा है चला बीच बीच में वो कहता सगर है दीप जले कार्यक्रम के में किछ पढ़वा मौका से हो भेटल आ किछ वही वहाँ जो लिखल से हो गए लिखल रखल सब किछ प्रकाशितो भेले लेकिन संग्रह रूप में नहीं प्रकाशित भ सकल छे कथा संग्रह प्रकाशित फिर से भेज देने का एक संग्रह प्रकाशित कर ली अस्थि अपने सब सुझा में नीति बजाय अपने सब को हाउ ओके बाबू लगे कोई कुछ पिता श्रद्धांजलि हम पहले भी लिखने चले रहे हैं ये अवसर पहले तो खैर मैं लिखा गया पिता प्रत एक पुस्तक का कविता बड़का पागड़ी छाय भंगर छाय रहिए बड़का पागड़ी भंगर छाय रहिए नहीं कुछ और इनको कही हो कि घर में रहिए कि बाहर रहिए बड़का पाकड़ी घनगर छाहे रहिए नहीं पूछा तो लोग कही हो कि घर में रहिए कि बाहर रहिए न रौद लागो जलो न बसात न बरखा न बिहार हम सब कहाँ किछ बुझलिए सबटा अपने सहि लेलिए अत्यंत गरीब परिवार में जन्म लो अत्यंत गरीब परिवार में जन्म लो अभियंत्रण उच्चतम पद तक पहुँच गेलिए कहाँ कौशल लेगियो जते काज कऽ कऽ चलेलियो कहाँ कौशल लेगियो जते काज कऽ कऽ चलेलिए मधुबनी जिलाक सुदूर हरिपुर बक्सी टोलमे जन्म लो मधुबनी जिलाक सुदूर हरिपुर बक्सी टोलमे जन्म लो यूरोप अमेरिका आ देश दुनिया धाइन देलिए अभियंत्रण क्षेत्रमे सेहो तक कीर्ति पताका टाँगि देलिए माँ मैथिलीक सेवामे तऽ पूरा जीवने खपा देलिए विद्यार्थी रहिए तहिएसँ जीवनक अंतिम दिन तक लिखते रहि गेलिए कथा हो कि उपन्यास किछु नहि बुझलिए कविता हो कि काव्य सबके एके गुणलिए तुम्हार अधुपत्र जे लिखलकै सह गीता हमर खयाम लिखलकै केओ मानतै ई बात जे जे महाभारत आ यजुर्वेदक भाष्य लिखलकै केओ मानतै ई बात जे जे महाभारत आ यजुर्वेदक भाष्य लिखलकै से अनना भूटाक लेल अक्षर परिचय सेहो लिखलकै मानबै ई बात जे जाहि व्यक्ति विडम्बना आ भजना भजनेसँ कथा संग्रह देलकै वएह व्यक्ति शरद चंद्र आकाजी नजरूलक अनुवाद सेहो केलकै विश्वास हैत जे जाहि व्यक्ति सन्यासी आ पतन सन खंडका भेलकै वएह व्यक्ति विदेश भ्रमण सन यात्रा वृत्तान्त देलकै बिता देलिए जीवन अपन माँ मैथिलीक अर्चनामे चमत्कारे तऽ करैत रहलिए सब दिन अपन रचनामे बिता देलिए जीवन अपन माँ मैथिलीक अर्चनामे चमत्कारे तऽ करैत रहलिए सब दिन अपन रचनामे देखते देखते एतेक टा समय कोना कऽ बहि गेल बहुत रास काज जे मोनमे छल बाकिए रहि गेल धन्य कऽ देलहुँ जीवन धन्य कऽ देलहुँ जीवन एहि नाम सङ्गे अपन नाम जोड़ि कऽ धन्य कऽ देलहुँ जीवन एहि नाम सङ्गे अपन नाम जोड़ि कऽ बड़ ओ नैया मोनके उखल कर किए चल गेलिए छोड़ि कऽ धन्य कऽ देलहुँ जीवन एहि नाम सङ्गे अपन नामके जोड़ि कऽ बड़ ओ नैया मोनके उखल कर किए चल गेलिए छोड़ि कऽ एक बेर फेरसँ कोनो होना कोनो रूपमे अभियो नहि एक बेर फेरसँ कोनो होना कोनो रूपमे अभियो नहि बचलाहा काजसभ जे छल मोनमे सम्पूर्ण करियौ नहि सुनियो सभक बात आ बुझियो सभक इच्छा मैथिली महाभारत कऽ रहल अछि एकटा आओर व्यासक प्रतीक्षा मैथिली महाभारत कऽ रहल अछि एकटा आओर व्यासक प्रतीक्षा अपन स्मरणमे कविताके सङ्ग स्मरणमे अपन पिताके
महादेव से हमें की श्रद्धांजलि। योगी जी सर किस दिन पहले से एक किताब के संपादन करवा के मैयार केने रहे, यद्यपि ओखंड बहरा नहीं सकले है, यात्री जी पर केंद्रित विभिन्न लेखकर आलेख सबके संग्रहित कर के से यात्री के से प्रस्तुत करना चाहे छलखिन है। ओहि क्रम में एक आलेख उपेन्द्र नाथ झा व्यास जी से हो से हमारा पढ़वा में आया। उपेन्द्र नाथ झा व्यास जी को आलेख से ई बात प्रमाणित भेट जे यात्री जखन श्रीलंका से नागार्जुन वाला पहली लौ के मिथिला घूरे है आ उनका से साहित्य लगभग छूट संकेत रहे हैं, वही क्रम में हिंसा से कोनो कारण से अपन सासुर जा पड़ल हैं, या कह सके छी पकड़ धकड़ के हुनका लोग सासुर लौ गए हैं। सासुर प्राय वह गाँव जे गाँव ब्यास जी के गाँव ओत एक बाबाजी झलंगा वाला के देखलक सब देखे अलग ब्यास जी सेहो रहें ओ समय में गामे में हुनका बहुत कचोट भेल कारण जे साहित्यकारक रूप में एक मित्रता एक अपेक्षा भाव यात्री जी से भ गेल रहें, मुदा ओ सासु हुनकर से जमा कैटेगरी में सेहो होइत हथिन ते एक दूरी सेहो रहे। एहन में से ब्यास जी यात्री जी के अलग से बहुत रास बात बुझबै छथिन और लेखन दिस प्रवृत्त करै छथिन, और बाद में हम सब इहो बुझै छियै जे यात्री जी के यात्री बनेबा में जे दू तीन टा महत्वपूर्ण लोकक योगदान छै, सीताराम झा जी के तऽ छैहे दूरे छलखिन हैं, लेकिन तकर बाद ब्यास जी और किरण जी ई दू गोट एहन हुनका टॉर्च भेटै छनि जकर इजोतमे ओ आगू बढ़ै छथि। ओहि आलेखसँ ई बात सिद्ध होइ